Hi, good morning, dear friends. How are you? Okay, all right. I hope you all are fit and fine at your home. Okay, so dear students, in previous frame, we have talked about learning grammar and we have seen simple present tense. Okay, in that simple present tense, we have seen that if the subject is plural, the verb is also plural, and if the subject is singular, the verb is also singular. Now, dear students, in simple present tense, with the third person singular subject, he, she, it, or any singular noun, we use yes, es, or is with the verb. Okay. Now, let's see some other helping verbs of simple present tense. Okay. And they are am, is, and are. So, let's learn grammar from page number 40. So please open page number 40 and now listen carefully. Okay. So dear student, am, is, and are also verbs in the present tense. Okay. इनको हम to be के verbs कहते हैं. Am, is, are to be के verbs है और ये present tense में प्रयोग करते हैं. They can be followed by nouns, adjectives, or phrases that say something about the subject. Okay, ये nouns के साथ में, adjectives के साथ में और phrases के साथ में इनका प्रयोग करते हैं. Am, is, are का. Okay, और ये बताते हैं हमें कि हम subject के बारे में क्या कह रहे हैं. Okay, they connect or link the subject to give some more information about it. Okay, these am, is, are also they connect the subject with the more information about that particular subject, and that's why these verbs are also called as linking verbs. Okay, let's see. I am a student. Sheila is intelligent. Tigers are animals. They are beautiful. We are in school. Dear students, am का प्रयोग हम सिर्फ I के साथ में करते हैं. Okay, first person singular subject I के साथ में ही am का प्रयोग करते हैं, बाकी किसी के साथ में भी English grammar में हम am का प्रयोग नहीं करते. Alright, so I am a student, I am a doctor, I am a teacher, I am a nice boy. Okay, is, now let's see about is. Sheila is intelligent. Is used with the third person singular noun or pronoun. Now Sheila हो सकता है singular, हाँ राहुल हो सकता है, okay the dog हो सकता है, a man हो सकता है, a doctor हो सकता है, तो singular noun के साथ में हम is का प्रयोग करेंगे, या फिर pronoun he, she, it, in थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ में ईच का प्रयोग करेंगे. ओके, टाइगर्स आर एनिमल्स, दे आर ब्यूटीफुल. आर का प्रयोग डियर फ्रेंड्स वी यूज आर विथ प्लूरल सब्जेक्ट या और प्लूरल नाउंस. प्लूरल नाउंस के साथ में हम आर इस वर्ब का प्रयोग करेंगे. ऑलराइट, टाइगर्स आर एनिमल्स, दे आर ब्यूटीफुल, वी आर इन स्कूल. सो हमने देखा कि यम का प्रयोग हम ओनली फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ में करेंगे, ईच का प्रयोग हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ में करेंगे, एंड आर का प्रयोग हम प्लूरल नाउन्स के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करेंगे. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर बी. फिल इन द ब्लैंक्स विथ एम, इज, और आर एंड द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स. द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू. अब हमें करेक्ट फॉर्म यम इज आर में से करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें यूज करना है इन दिस फिल इन द ब्लैंक. ऑलराइट, लेट्स डू इट. हरी इज अ प्लम्बर. ओके, हरी सिंगुलर है, इज अ प्लम्बर, ही रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स. ओके, यस लगा है क्योंकि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था वर्ब में यस यस लगता है ही शी इट के साथ में. डॉक्टर नॉथ एंड हिज वाइफ, अब ये प्लूरल है, डॉक्टर नॉथ एंड हिज वाइफ, सो प्लूरल वर्ब इज आर. Doctors, they tell us what medicine to take when
वी आई ओके सो दे टेल का टेल ही रहेगा इसमें यस ई एस नहीं लगता क्योंकि प्लूरल है दे टेल अस व्हाट मेडिसिन टू टेक व्हेन वी आ ओके इन वी इज प्लूरल सब्जेक्ट नंबर थ्री सू इट इज सिंगुलर इज अ स्टूडेंट शी स्टडी इन क्लास फोर तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम यस ई एस आई एस लगाते हैं स्टडी का प्लूरल ओके स्टडीज इन क्लास फोर नंबर फोर राखी एंड रेखा प्लूरल सब्जेक्ट सो प्लूरल वर्ब आर जिमनेस दे परफॉर्म तो परफॉर्म का परफॉर्म ही होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में परफॉर्म जिमनास्टिक एक्सरसाइज डैड डैड इज सिंगुलर सो डैड इज एन इंजीनियर मॉम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में एक्शन वर्ब में हम यस ई एस आई एस लगाते हैं मॉम वर्क्स इन एन ऑफिस डैड एंड मॉम दोनों प्लूरल हो गए सॉरी इसकी जगह पे हम सॉरी यहाँ पे एक्शन वर्ब है तो हेल्प का हेल्प ही होगा ओके हेल्प ईच अदर टू गिव अस अ कंफर्टेबल होम मनी एंड आई इट इज अगेन प्लूरल आर चिल्ड्रन मनी थर्ड पर्सन सिंगुलर दिस लास्ट वाई बिकम्स आई एंड वी एंड यस ओके मनी ट्राइज टू हेल्प मॉम इन द किचन एंड आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इसके साथ में कोई यस ई एस आई एस नहीं लगता आई ट्राई टू हेल्प ऑल्सो ऑलराइट सो दिस इज द यूज ऑफ यम इज एंड आर दीज आर द टू वी वर्ब ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस ओके डियर स्टूडेंट्स नाउ लेट्स गो वन स्टेप फॉरवर्ड Now, just now we have seen about the simple present tense, okay, synthesis of simple present tense. Now, let's talk about the present continuous tense form of the verb. We use the present continuous tense for actions going on in the present. मतलब अभी जो क्रिया चल रही है ये शो करने के लिए यह दर्शाने के लिए हम present continuous tense का प्रयोग करते हैं मतलब अभी कोई भी क्रिया हम जो भी बात कर रहे हैं वो क्रिया अभी शुरू है यह बताना है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं ओके यम इज एंड आर हेल्प द आईएनजी वर्ब टू फॉर्म द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ओके सो अगर यम होगा तो यम के बाद में हमें जो मेन वर्ब होगा उसमें आईएनजी फॉर्म लगाना है जब यम इज आर इनके बाद में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है तब उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं फॉर एग्जांपल यम स्विमिंग इज डांसिंग आर स्टडिंग ओके लेट्स सी सम एग्जांपल यूज द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग ओके दोस्तों हमें इन आई एम ही इज शी इज यू आर दे आर वी आर ओके रमन इज राजू इज शीला इज इस तरह के ओके सो आई एम का शॉर्ट फॉर्म इस तरह से लिखते हैं शीज को इस तरह से अपोस्ट्रोफी देकर यस लिखते हैं ही इज को इस तरह से अपोस्ट्रोफी देकर वी आर को एंड यू आर को भी लिखने के अलग अलग प्रकार हैं दे आर इस प्रकार से दे आर पढ़ेंगे इट को इट इज को हम इट्स इस तरह से लिखेंगे ओके यहाँ पे ध्यान देना है ये अपोस्ट्रोफी रहेगा तभी वो इट इज कहलाएगा अदरवाइज अगर अपोस्ट्रोफी नहीं लिखते तो इट विल बी द पॉजिटिव फॉर्म इट्स हो जाएगा ओके नाउ लेट्स मूव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ओके तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोस्तों कैसे करते हैं कि हम पहले सब्जेक्ट लेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब लेंगे और उसके बाद में जो भी वर्ब लेना है हमको मेन वर्ब उसके साथ में आईएनजी लगाएंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेट्स डू ओके सो फ्रॉम पेज नंबर 41 वी आर ऑन पेज नंबर 41 लेट्स सी ए Fill in the blanks with the correct present continuous forms of the verbs in the bracket. Okay. So, already यहाँ पर verb use किए गए हैं I am. So, it becomes continuous form में हम ing लगा दें So, I am eating. Sentence will be I am eating an apple. He is wearing. It will be wearing. He is wearing a pair of shorts. She is
स्टडी, स्टडी में हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, इट विल बी शी स्टडिंग फॉर अ क्विज, द कैट इज एंग्री, इट्स वेविंग, ओके वेविंग, सी यहां में लास्ट में ई था तो हमने उसको रिमूव करके आईएनजी लगा दी. वी आर वॉच वॉचिंग, वी आर वॉचिंग टीवी, दे आर प्ले, प्ले बिकम प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वी आर रीडिंग, दे आर डांसिंग, सो इन दिस वे दे आर प्लेइंग ऑन द प्ले ग्राउंड. सो इन दिस वे दीज वर्ड्स, दीज सेंटेंसेस टेल अस दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अभी ये सभी एक्शन शुरू है. नाउ अनदर फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे कि किस तरह से इनका प्रयोग होता है. वी यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस व्हेन यू आर मेकिंग प्लान्स फॉर द फ्यूचर. दोस्तों अभी एक्शन जिस समय मैं अभी बोल रहा हूँ उस समय एक्शन शुरू होती है, यह दर्शाने के शुरू है, यह दर्शाने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन समटाइम्स ऑल्सो दिस फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू शो फ्यूचर प्लान्स. ओके, अगर हम कुछ फ्यूचर में प्लानिंग करेंगे तो भी हम उसको भी फ्यूचर की एक्शंस के लिए, प्लानिंग्स के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं. ओके, विच सेंटेंस टेल यू अबाउट एक्शंस गोइंग ऑन राइट नाउ, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड राइट नाउ आफ्टर देम. अभी हमें यहाँ पर एक एक्सरसाइज करना है, जो हमें लगता है कि वो क्रिया, वो एक्शन जो अभी होने वाली है उसके सामने में उस वर्ब को अंडरलाइन करना है एंड उसके सामने नाउ लिखना है, मीन्स दैट एक्शन इज गोइंग टू बी गोइंग टू हैपन नाउ. एंड सम सेंटेंसेस आर देयर विच विल टेल अस अबाउट दैट द एक्शंस आर द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. सो हमें वहाँ पर क्या लिखना है, हमको प्लान्स लिखने हैं. ओके, अंडरलाइन करके. नाउ लेट्स सी टू एग्जांपल्स ऑलरेडी हैव बीन डन फॉर अस. गीता एंड आई आर गोइंग टू आगरा टुमारो. सो आज नहीं जा रहे हैं. ओके, सो ये प्लानिंग है टुमारो की एंड दैट्स व्हाई इट इज मेंशन प्लान्स. द बेबी इज क्राइंग, कांट यू हियर हर, बच्ची रो रही है, क्या तुम उसे सुन नहीं पा रहे हो. तो ये अभी की बात है. ओके, सो इट्स नाउ. सी वर्ब को अंडरलाइन किए. रवि एंड रीमा आर स्विमिंग, व्हाट इज द वर्ब, आर स्विमिंग, अंडरलाइन इट. ओके, लुक एट देम, दे आर एंजॉयिंग देमसेल्व्स, देखो वो तैर रहे हैं, उनकी तरफ देखो वो कितना एंजॉय कर रहे हैं. सो इज इट अ प्लान और हैपनिंग राइट नाउ, सो दिस इज हैपनिंग नाउ, सो यू हैव टू राइट डाउन नाउ हियर. ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे नाउ लिखना है, इट इज हैपनिंग नाउ. ऑलराइट, एंड व्हाट इज द अगेन वर्ब, आर एंजॉयिंग. ओके, नेक्स्ट वीक. ओके, नंबर फोर, नेक्स्ट वीक आंट मीरा इज कमिंग टू विजिट अस. देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वीक ऑलरेडी फ्यूचर के बारे में बताया है, तो इट्स प्लानिंग. एंड व्हाट इज द वर्ब फॉर्म, इज कमिंग, सो इट्स अ प्लान. ऑलराइट, सो प्लीज राइट डाउन दिस इन दिस वे, शी इज ब्रिंगिंग कजिन करण विथ हर. ओके, सो इज ब्रिंगिंग कजिन विथ हर, वो ला रही है, मीन्स इट्स इस प्लान. ओके, इट्स नॉट नाउ, आने वाली है उसके साथ में. हाय रवि, चित्रा एंड आई आर डूइंग अवर होमवर्क, व्हाट आर यू डूइंग. ओके, वो रवि से अभी बात कर रहे हैं. ओके, चित्रा एंड आई आर डूइंग अवर होमवर्क, हम कर रहे हैं. व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो. सो आर डूइंग इज द वर्ब फॉर्म एंड दिस इज ऑल्सो, दिस एक्शन हैपन्स नाउ. मिसेस कुमार इज टीचिंग अस फ्रैक्शंस नेक्स्ट वीक, मीन्स नेक्स्ट वीक इज देयर, सो इट ऑलरेडी टेल्स अस अबाउट द प्लान. ओके, फ्यूचर प्लान्स, टीचर्स फ्यूचर प्लान्स. शी इज प्लानिंग टू टेक अस टू द मैथ लैब सून, शी इज प्लानिंग मतलब वो प्लानिंग कर रही है कि बहुत जल्द हमें मैथ लैब में लेके जाने वाले हैं. सो इट इज ऑल्सो प्लान. ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टू शो फ्यूचर प्लानिंग्स ऑल्सो. ओके, मतलब जब क्रिया अभी चालू है, कंटिन्यू प्रोसेस को, कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस में अभी वर्तमान में चालू क्रिया को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग तो करेंगे ही,
लेकिन कभी कभी हम फ्यूचर प्लानिंग को शो करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, लर्न वेल, प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड डू वेल। ओके, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।